સેન્ટ માર્ક્સ હાયર સેકન્ડરી શાળામાં આજ રોજ આવેલા ધોરણ 10નું ખૂબ સારું પરિણામ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે. તે માટે અમારી શાળા ખૂબ જ ગર્વ અનુભવે છે. શાળાના સંચાલક શ્રી BVS રાવ તથા સુશીલા મેડમ તેમજ આચાર્ય શ્રી ધન્યા પ્રિન્સ તેમજ એકેડેમિક એડમિન શ્રી ડેવિડ કુમાર તથા તમામ શિક્ષકગણની મહેનત દ્વારા અમારી શાળાના 80% પરિણામ પ્રાપ્ત કરેલ છે. તેથી શાળા પરિવારે તમામ વિદ્યાર્થીઓને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવે છે. આ સાથે અમારી શાળામાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 10ના તમામ વિદ્યાર્થીઓમાં 30 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ 1 અને 2 ગુણાંક પ્રાપ્ત કરેલ છે. અમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ જાદવ આકર્ષ સુરેન્દ્રે પ્રથમ ક્રમાંક સાથે 98.92% પ્રાપ્ત કરી શાળાનું નામ ગૌરવિંત કર્યું છે. And those who have studied from the lower class to 10th or 12th, they have got the good result. That means foundation, it helps the children to grow discipline-wise and in curriculum-wise. Ma'am, आप करीबन 25 सालों से इस स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं. पहले का एजुकेशन और अभी के एजुकेशन में क्या आपको चेंजेस दिख रहे हैं? पहले एजुकेशन द सेंस दे हैव खाली बुक में से जो नॉलेज है वही था. अभी इन ऑल ओवर दे आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर एंड डे बाय डे दे आर इम्प्रूविंग अपडेटिंग देयर नॉलेज. सो इन ईच वे द ओल्डन डेज एंड नाउडेज चिल्ड्रन आर बिजी विथ मोबाइल. प्रीवियसली इट वॉज नॉट देयर. दे आर कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट देयर स्टडीज ओनली ऑन स्टडीज. सो देन टू द चिल्ड्रन आर टू क्लेवर टू मैनेज द टाइमिंग. सो वी think always it is the self discipline they have to maintain their self discipline. मैम आपके भी दो बच्चे यहाँ पे ही पढ़ के डॉक्टर्स हुए हैं, क्या फील कर रही है और कैसा लग रहा है आपको? आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई एम हैविंग अ गुड टीम ऑफ द टीचर्स टू गाइड द चिल्ड्रन. इवन माय चिल्ड्रन आर आल्सो स्टडीड फ्रॉम हियर ओनली एंड मोस्ट ऑफ देम माय टू डॉटर्स आर स्टडीइंग नाउ अब्रॉड. They have learned all the basics from my teachers only and we are giving good education to the children and we hope more we have to help the children in education field. आपका नाम? My name is Darsh Tiwari and I am from 10th grade. Darsh, आपका थर्ड रैंक आया है, आपको कैसा लग रहा है? आप कितने सालों से इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में बताओ. जैसे कि मेरा थर्ड रैंक आया तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. मेहनत भी बहुत की थी तो अच्छे परसेंटेज आए तो अच्छा लग रहा है बहुत. और मैं जब से मतलब एकेडमिक में आया हूँ तो मैं पहले से यही स्कूल में हूँ. अब इतने सालों से स्कूल में पढ़ रहे हो, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पढ़ाई के साथ में कैसी रही? यहाँ के सर स्पोर्ट्स के भी बहुत अच्छे हैं और गेम्स के भी सब अच्छे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं और बाद में बहुत अच्छे अच्छे थाट्स भी देते हैं. आप क्या बनना चाहते हो? मुझे तो आर्मी में जाना है. आर्मी में जाके फिर आपका क्या नेक्स्ट गोल क्या रहेगा, आप उसमें क्या करना चाहते हो? आर्मी में मुझे एक तो सपोर्ट करना है इंडिया को, इंडिया की सेवा करनी है. इंडिया में सारे वेलफेयर उनकी सबकी जो भी है मतलब पीस लाना है इंडिया में, सबको ऐसे संभालना है. और अभी आपके और 5 साल यहाँ पढ़ाई के बाकी है, उसमें आप और कितनी पढ़ाई करोगे? दूसरों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं दूसरों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन में नॉलेज भी मेन है पर डिसिप्लिन पहले मेन है. डिसिप्लिन होगा तो बाद में नॉलेज आएगी और मार्क्स से ज़्यादा नॉलेज के पीछे भागेंगे. आपकी पढ़ाई में आपके टीचर्स किस तरह से आपको सपोर्ट करते थे? टीचर ने सबने बहुत सपोर्ट किया, मेनली डेविड सर. उन लोग ने उनने बहुत से थॉट्स दिए और बहुत सपोर्ट किया और घर का भी बहुत सपोर्ट लिया. सब ने फादर ने मदर ने बाद में सिबलिंग्स ने सबने बहुत सपोर्ट किया. थैंक यू. आपका नाम? माय नेम इज जादव आकाश सुरेंद्र फ्रॉम 10th. आकाश, ये सेंट मार्क स्कूल में आप पढ़ रहे थे, आपका फर्स्ट रैंक आया है, क्या फील कर रहे हो और किसका इसको वेटेज देना चाहोगे आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं स्कूल के सभी टीचर्स और सर जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उनको मैं थैंक्स देना चाहता हूँ. और सबने सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट दिया और उनके वजह से ही आज ये A1 ग्रेड में हम आए. आकाश, आपके सबसे प्रिय टीचर्स आपके स्कूल में कौन रहे? मेरे सबसे प्रिय टीचर सर डेविड सर रहे, क्योंकि उन्होंने साइंस में बहुत मेहनत से हमको पढ़ाया था, हर टाइम क्वेश्चंस दिए थे, रिवीजन कराए और सब कुछ दिया था, हमको नोट्स प्रोवाइड किए थे. इसलिए सबसे थैंकफुल हम डेविड सर के लिए.
किस तरह से आप पढ़ाई करते थे कि जिसकी वजह से आपको ये इतना अच्छा रैंक प्राप्त हुआ है? मैंने पढ़ाई सेल्फ स्टडी से किया था और सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी स्टडी होती है क्योंकि हम खुद से जान सकते हैं हम में क्या आता है क्या नहीं आता, हम खुद से समझ सकते हैं और टीचर्स और सर तो थे हमें सपोर्ट करने के स्कूल से, तो इसके वजह से हम। एग्ज़ाम्स में यहाँ किस प्रकार की तैयारी टीचर्स करवाते थे जिससे आपको इतना अच्छा क्रम प्राप्त हुआ? टीचर्स हम हमेशा कम आए एग्ज़ाम में, फिर भी ऐसे नहीं बोलते कि कुछ नहीं अभी क्या करोगे या फिर, वो हमेशा मोटिवेट करते थे और सब अच्छा। पहले मेरे मैथ्स में कम आए थे, फिर प्रीलिम्स टू में मेरे फुल मार्क्स आए थे, इसलिए टीचर यहाँ के बहुत सपोर्टिव थे। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ स्कूल में कैसी है? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी है, इस आधा साल तो कोरोना में गया था और आधा साल में 100 एक्टिविटी हो सकी, सब हुआ और सब एकदम सही था। थैंक यू।